हेलो हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं एक नई डेस्टिनेशन पे। लास्ट हम गए थे शिमला और उसका वीडियो हमने डाला हुआ है, आप चेक करना, आप देखो सब लोग उसका वीडियो। और आज हम निकले हैं पुष्कर के लिए। मॉर्निंग में वैसे सब कुछ एकदम प्योर लगता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सात घंटे लगेंगे गुड़गांव से पुष्कर पहुंचने में। हाईवे हम आ चुके हैं, हमें घर से निकले हुए आधा घंटा हो गया। 7 बजे हम निकले थे, 7:30 अभी हुए हैं। पेट्रोल डलाना, इंडियन ऑयल, अपना फेवरेट इंडियन ऑयल। बाप रे, कितना बड़ा ट्रक है ये, इतना ह्यूज है, कैसे मैनेज करता है ये चलाते हुए इतने बड़े ट्रक को। हवा भी चेक हो जाएगा, प्रदूषण केंद्र भी है ये, दिखाई दे रहा है। ये शायद मानेसर जो वाली जो रोड है, मानेसर हाईवे क्या कहते हैं उसको, कुंडली मानेसर हाईवे, ये वो वाली रोड मेरे को लग रही है। वेस्टर्न पेरिफेरल तो दूसरा कहते हैं, दूसरा है इसको ही कहते हैं वेस्टर्न पेरिफेरल भी। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, पूरा वेस्ट जो है ये रूट कवर करता है, तो ये महाराष्ट्र तक कवर करता है ये रूट, ये साउथ तो नहीं जाता। ये वाला साउथ जाने, और दूसरा जो रूट मेरे को लगता है साउथ में जाने वाला होएगा वो गाजियाबाद होता हुआ कोई रास्ता जाता है, जहाँ से सनी वगैरह पीयूष गए थे, जो रूट इन्होंने साउथ के लिए लिया था, झांसी वाली रूट लिया था इन्होंने, झांसी, और झांसी से फिर आगे ये गए थे जब हैदराबाद बाई रोड गए थे लोग। तो इस रोड से अगर साउथ में जाएंगे तो ट्रक जाएंगे तो लंबा पड़ेगा। हमने भी एक बार खाया था ना इस होटल में, वापस आते हुए वहाँ से जयपुर से आते हुए खाया था, काफ़ी रश, देखो बाप रे, सुबह सुबह इतना लोग हैं यहाँ पे खाने के लिए। ₹2 सस्ता पेट्रोल, धमाका सेल। तो यहाँ पे लिखा गया जलंधर के लिए भी यू टर्न लो, इधर से कोई होएगा रोड जाता होएगा पंजाब की तरफ। ये है कुंडली मानेसर वाली रोड जो है, कुंडली मानेसर पलवल KMP, बहुत दूर जाके आती है गुड़गांव से, तो काफी देर टाइम 1.5 घंटे के बाद आई है ये। ढाबे वगैरह बहुत सारे आते हैं रास्ते में यहाँ पे। बवाल के बाद आ जाएगा निमराना, बवाल और निमराना बस पास पास ही है। ये निमराना नहीं, ये बवाल है, बवाल लिखा हुआ इंडस्ट्रियल एरिया बवाल। यहाँ पे भी ये फार्मर्स एजिटेशन के लिए बंद किया हुआ है रोड, सिंधु जो बॉर्डर है वहाँ पे भी बंद है। तो यहाँ पे भी ये, हाँ, इन्होंने टेंट वगैरह लगा के अच्छे बनाए हुए। ये भी पंजाब से आए हुए फार्मर्स जो आए हैं वो सिर्फ पंजाब के ही आए हैं, यहाँ राजस्थान के फार्मर्स नहीं है। देखो ये भी पंजाब के से लिखा हुआ है इन्होंने, ये लगता है गाँव से सब सामान लेके आ गए अपना। हाईवे को पता नहीं क्यों ब्लॉक कर दिया, फार्मर्स भी अभी जल्दी से जाने वाले मूड में नहीं है, वो अपना सब सर्दी गर्मी बरसात का सब सामान लेके आए हुए हैं। जल्दी से जल्दी हुई है, इनका फैसला करना चाहिए।
भी खुल गया होगा उड़ रहा हूँ। अभी हम रुक रहे हैं ओल्ड राव होटल में, कुछ चाय ब्रेकफास्ट जल्दी से खाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि हमें आगे जाने में लेट हो जाएंगे। तो चलते हैं यहाँ पे जाके अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। ये है ओल्ड राव जो कि दिल्ली और जयपुर के एकदम मिडल में है। बनाया तो अच्छा है पर रुके हम पहली बार, ये लगता है ये अभी बना होएगा क्योंकि एक साल से तो वैसे ही लॉकडाउन था, काफ़ी टाइम, दो एक साल पहले आई थी तब तो नहीं था ये। कुल्फी वाला भी है इधर, अमूल आइसक्रीम, चाट का कॉर्नर, चूरन की स्पेशल गोलियाँ जो राजस्थान की होती है, और कुछ शॉपिंग भी, वेज सैंडविच और चाय, अच्छे लग रहे हैं, ले लो खा के देखते हैं कैसा है। अच्छा है क्या? ये आ गया हमारा पूरी, आलू की सब्जी, साथ में ये क्या दिया, हलवा भी दिया है क्या? ये तो बड़ा टेम्प्टिंग लग रहा है, बड़ा नीट एंड क्लीन है और बड़ा रीजनेबल, बहुत ही टेस्टी था। हमने आलू पूरी मंगाए थे और सैंडविच मंगाए थे जो कि बहुत अच्छे फ्रेश, एकदम फ्रेश थे और बड़े अच्छा था। गूगल बाबा कहाँ बैठा हुआ है? गूगल बाबा कहाँ बैठा है किसी को नहीं पता, आसमान में बैठा हुआ है कहीं पे पर ज़्यादातर तो 90% तो बिल्कुल एक्यूरेट बताता है, और कभी कभी जब ये फंसा देता है ना बुरी तरह से, जैसे उस दिन मेरे को वहाँ पे अड़चनी में दिल्ली गई और वहाँ पे मेरे को ऐसी लेन में उसने डाल दिया गली में कि जहाँ से मेरी गाड़ी बैक ही नहीं हो सकती थी, ना आगे जाने लायक रही ना मैं पीछे जाने लायक, बड़ी मुश्किल से मैंने जो है ना गाड़ी अपनी बैक करी और बाहर निकली तो इतनी लंबी सांस मैंने ली कि हे भगवान शुक्र है। फिर जब मैंने जिसकी जगह पर जाना भी था मैंने उसको फ़ोन किया कि भैया मैंने ये प्लांट्स की पॉट्स की वो है जो मैंने एड्रेस पूछना था, उसने कहा हाँ जी है, आप किधर हो? मैंने कहा मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो कहते बीकानेर के उधर है हमारी शॉप, आप उधर आ जाओ, बीकानेर स्वीट्स थी जो उसने एड्रेस बताया था उसके साथ में। फिर मैंने देखा अरे बीकानेर स्वीट पे भी प्लांट्स रखे हुए हैं और गमले भी रखे हुए हैं, मैं अंदर चली गई, वो बीकानेर था बीकानेर स्वीट्स, तो मैं अंदर गई तो मैंने कहा भैया ये पॉट्स एंड वॉली की शॉप का है? कहते ये रही, मैंने देखा 10-12 पॉट्स रखे हुए और 10-12 गमले रखे हुए, तो मैं कहा ये मुझे कुछ लगा कुछ तो गड़बड़ है, मैं बाहर ही निकल आई। तो होता क्या है, वो जो जिसके पास मुझे जाना था वो उस आदमी की लोकेशन देता था कि बीकानेर से ऑपोजिट है हमारी दुकान, वो बीकानेर वाले ने उसने क्या करा, उस मिठाई की दुकान वाले ने, छोटी सी एक मिठाई की शॉप थी, तो उसने क्या करा, बीकानेर वाला नहीं है ये, बीकानेर के नाम से कुछ था, वो क्या करता था जब लोग उसकी दुकान पे जाते थे ना पूछने के लिए कि पॉट्स एंड, वो उसने अपनी दुकान को ही नर्सरी बना दिया मुझे, मैं वो बंदा ही तब वो मुझको मिला नहीं दुकान में अपनी, नहीं तो मैं उसको बोलने वाली थी भैया उसका नाम उसकी लोकेशन मत बता, तेरा बिजनेस वो खा लिया। जयपुर बाईपास जो लिखा है ना, अब हमें इधर से जाना है लेफ्ट से। नसीराबाद, किशनगढ़ सीधा, अजमेर 33, अहमदाबाद यहाँ से 584 किलोमीटर लिखा हुआ है। से मैं थोड़ा सा एग्जिट करना है, इधर से करना है एग्जिट, हाँ ये वाला, ये जयपुर जोधपुर रोड से एग्जिट करने के लिए बोल रहा है। Continue on Jodhpur, Jaipur Road for 1.5 kilometers. यहाँ से यू टर्न लेना है।
और फिर अगेन राइट टर्न, यहाँ से थोड़ी सी रॉन्ग डायरेक्शन से जाना पड़ेगा। मैप में ये दिखा रहा है 1 किलोमीटर तक जा रहे हैं। Continue on push car bypass for 3 kilometers. In 600 meters, turn right. फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं होटल में अपने, और इस होटल के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अब मिलेगी अब नेक्स्ट वीडियो पे, और आज का वीडियो हम ये पे बंद करेंगे। हम आप पहुंच गए हैं होटल, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप, तब के लिए बाय बाय।